तो हज़र आज भी तसवुफ़ से मुतल एक सवाल है और कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को इसमें कि इस्लाम में हम जानते हैं कि रहानियत रह रह नहीं है लेकिन हम अलिया की जिंदगी को देखते हैं कि वो सबको छोड़ के जंगलों में बेअबानों में जा कर जिंदगी बसर करना शुरू कर देती हैं और इसी को ऐन इस्लाम समझते हैं तो क्या ये खिलाफ इस्लाम नहीं है जो वो अमल करते हैं अजय अच्छा वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशाला अच्छा रुख तो उठाया आपने तो जंगलों में जाके आप शिकार क्यों करते हैं जब जंगलों में जाने की मानत है तो जंगलों में जाके शिकार क्यों करते हैं जानों को बचाने के, के लिए करते हैं ना भूख लगी हुई है या शिकार कर करके खा पी लें तो जब जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाके शिकार करते हैं अपने खाने पीने का जो है वो सामान करते हैं तो ईमानों को बचाने के लिए इस जंगलों में जाना भी जायज है जब जानों को बचाने के लिए जाना जायज़ तो ईमानों को बचाने के लिए जाना जायज़ क्यों नहीं है अच्छा ठीक है ना शहरों में रह के शहरों की बुलंद इमारतें और शहरों के रंग रंगीनियों के अंदर इंसान जो है वो सारा जो मस्त होके रह गया और अल्लाह की पहचान ख़त्म हो गई अब दुनिया से कट के जंगलों में जाता है और जंगलों में ऊंचे पहाड़ देखता है तो अल्लाह की बुलंदी उसको नज़र आती है खुले आसमान की बेसतूनी देखता है तो अल्लाह की कुदरत नजर आती है द्रियाओं की रवानियां देखता है तो अल्लाह की हैबत अल्लाह की जो है वो जमाल नजर आता है तो वहां जाके खुदा को याद करता है तो वो अपने दीनों ईमान को बचाने के लिए जाता है दीनों ईमान को बनाने के लिए जाता है क्योंकि अल्लाह वाले जो जंगलों में जाते हैं वो दिनो ईमान को बनाने जाते हैं जैसे खुद नबी करीम सल्लम हिराम में क्यों जाते थे ग़ार हिर में सारी दुनिया से कट के वहाँ क्यों जा रहे हैं कि जी रबानियत नहीं तो गए क्यों नहीं भाई वो दुनिया छोड़ने नहीं जा रहे वो अपने आप को बनाने जा रहे हैं ताकि काम के बन के आए तो दुनिया को फायदा पहुंचाए अल्लाह इसलिए तो अपने आप तो औबाने पीर शेखबाद जिलानी रमतल चालीस साल तक वो जब वो जंगलों में घूमते रहे बगदाद के जंगलों में तो अपने आप को बनाते रहे खुदा को जब पा लिया अब वापस शहर में आके अब जब दर्श दिया है तो एक एक दर्श के अंदर तीन तीन हजार आदमी एक वक्त में तोबा करके ईमान में आते हैं जिसपे तो तो निगाह डालते हुए विलायत मिल जाती है तो Allah. ये है तो वो जो ईमानों को बनाने जाते हैं या बसों को ईमानों को बचाने जाते हैं और ये तो सही बुखारी की हदीस है अबूदी में भी है वो ये है कि कुरब क्यामत में एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को दीन और ईमान के फितरे पैदा हो जाएंगे और वो आदमी जिसके पास चंद बकरियां होंगी वो बेहतरीन उसका माल होगा और वो बकरियों लेके कब पहाड़ों की तरफ जाएगा कभी बारिश के नालों के पास बकरियों को बसाएगा ताकि पानी के इंतजाम हो जाए चारा दे का वहां ले जाएगा और फिर वह यु य मिनल मिनल्फितन या बिदीन बेदीनी मिनफन अपने दीन को बचाता व फितरों से भागेगा वो तो देखो ईमानों को बचाने के लिए जंगलों में जाने की भी इजाजत है तो सही बुखारी की हदीस तो ये अल्लाह वाले जो जंगलों में जाते हैं या रहबानियत की नीयत से नहीं जाते अच्छा। क्या दुनिया छोड़ दी बस वहां जंगलों में वहाँ अपने आप को बनाते हैं या तो कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं कि हमेशा जंगल में रहो तीस साल जंगल में रहा बीस साल रहा चालीस साल रहा जब अल्लाह ने उसको वो मुकाम अता कर दिया वापस शहरों में आके ईमान फैला रहे इसलिए जो है इसमें कोई मजाक नहीं है वो रबानियत वो वो है कि आप जो दुनिया को छोड़ ही दें और जो आप जंगल के अंदर पड़े रहे वो रबानी इस्लाम में नहीं है और फिर जब वहां से वापस आता बन के आता है तो फिर उसकी शान वो हो जाती है जैसे ख्वाजा मजूब कहता है कि बाजार से गुजरा हूँ और कहते हैं कि दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ दुनिया में रह के दुनिया का फिर आशिक नहीं बल्कि दुनिया के बनाने वाले का आशिक बनता है इसलिए जाते हैं हाँ जबरदस्त बहुत बड़ा इल्जाम था और बेबुनियाद इल्जाम निकला है बिल्कुल, तो। बिल्कुल। अल्लाह अकबर तो आप भी माशाला वक्त हाजिर के बहुत बड़े शेख हैं और इतने मुरीद हैं सैकड़ों दुनिया भर में आपके फैले हुए हजत क्या आप भी अपने मुरीदों को इस तरह जंगलों में भेजते हैं उनकी हिदायत के लिए <laughs> माशाला ये भी आपने खूब सवाल किया आजकल जंगल है कहाँ जंगल में जाओ पुलिस पीछे पीछे भाई ये बदला पीछे जाता कहाँ है आज तक वो कब्रुस्तान में जा नहीं देते भाई यहाँ के कब्रस्तान बंद हो जाते हैं और जंगलों में जाके तो देखो मैं तो यहाँ भी पूछता हूँ यार कोई जंगल है कोई पहाड़ है वहां जाके यार इबादत करो दिल करता है कहते नहीं ये पुलिस पीछे लग जाती है कि ये दाढ़ी वाले छः कट्ठे क्यों हो गए यहाँ पे <laughs> तो तो कह जाएंगे कहा तो बेशक ये होना चाहिए कि जंगलों में जाएं और फिर वो हमारे जो है वो दामाद जो है मौल से हुसैन मेरे बर ने कहा कि नहीं अज वो कैंपिंग की नीयत से जा सकते हैं अच्छा। किसी जंगल में कैंपिंग करते हैं सारे मुरीद जाते हैं वहाँ कैंपिंग करें और वहाँ खाएं पिए वहां जर भी लगे अल्लाह अल्लाह भी हो तो होदरत का जो माहौल होगा उस माहौल में बैठ के खुदा को जब याद करेंगे वो कहते हैं कि दरिया के किनारे पे बैठ के हसन बसरी ला लाइला के नारे लगाते थे फर मैं दरिया के किनारे पे क्यों आते हैं कहीं इसलिए कि हदीस में आता है रवा पानी अल्लाह का जिक्र करते हैं तो साथ बैठ के मैं भी जब अल्लाह का जिक्र करता तो वो भी जिक्र करता है दोनों के जिक्र टकराते हैं तो नूरे ही पैदा होता है इससे कदम है जंगलों में पहाड़ की बुलंदियों जरबे लगाते उसका लुत्फी अलग है तो बेशक मुरीदीन को मौका हो तो ऐसे जंगल बियाबान में जरबे लगाए पूरे आलम में घूमती है बसौका लौट लौट के आती है और हदीस में आते जहां जहां यह जिक्र की आवाज पहुंचती है वो फिजाएं भी रोजे क्यामत में गवाह बनेगी वो भी गवाह बनेगी और आपके हक में गवाही देंगे और बख्शी के फैसले होंगे तो बिल्कुल इंशाला यहाँ पर भी कभी कैंपिंग का निजाम बनाएंगे तो आप सब मुरीदों को ले जाएंगे जी बिल्कुल माशा बहुत शुक्रिया जजाकला इतना खूबसूरत टाइम हमें देने का